का इस देश के नंबर वन फुटबॉल न्यूज चैनल में फुटबॉल तमाशा विद टट्टू टैक्टिशियन, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं पिछले हफ्ते में बीती फुटबॉल की ताजा खबरें। फुटबॉल का ये बीता हफ्ता काफी उतार चढ़ाव से भरा था। एक जगह हमने देखा फुटबॉल का सबसे ग्रेटेस्ट एवर फ्रेंडली मैच, जो कि वर्ल्ड कप से भी बड़ा था। दूसरी जगह हमने देखा यूवेंटस के लोड़े लगते हुए। तो आइए आज के एपिसोड के अंदर हम इस सब के बारे में बात करेंगे। पर आज के इस एपिसोड की शुरुआत करेंगे हम सबसे तड़कती भड़कती खबर के साथ, जो कि है मेसी रिटर्निंग टू बार्सिलोना। जी हां दोस्तों, बार्सिलोना फैंस के चहेते जेरार्ड रोमेरो ने एक बार फिर से उन्हें वही उम्मीद दिखाई है जो तुम लोगों को स्कूल टाइम में आती थी, जब तुम किसी लड़की के साथ घुटने से घुटना मिलाकर बैठते थे। सूत्रों की माने तो जेरार्ड रोमेरो ने अपनी रीसेंट लाइव स्ट्रीम के अंदर ये कहा कि लियोनेल मेसी आज मूड में नहीं है पीएसजी के साथ रिन्यू करने के अंदर। उन्होंने यही चीज तीन चार अलग अलग तरीकों से बोली, जिसको सुन के बार्सिलोना फैंस की कछिया गीली हो गई। पर उनकी खोखली बातों के बीच में सबसे मुद्दे की बात यह है कि उन्होंने अभी तक एक बारी नहीं कहा कि मेसी की वापसी हो सकती है बार्सिलोना के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नोटिफाई करा ही नहीं है। जेरार्ड रोमेरो है या हमारे देश की सरकार? पर मैं हमारे देश भर के बार्सिलोना फैंस को ये याद दिलाना चाहूंगा कि अगला महीना फरवरी का है, तो टेंशन ना लीजिए। जेरार्ड रोमेरो वो इकलौता इंसान नहीं है जो आपका काटने वाला है। अगर हम बाकी सूत्रों की माने जैसे कि फेब्रिजियो रोमानो, बेन जेकब्स, तो पीएसजी के साथ मेसी का रिन्यूअल होना इस टाइम पे प्रिटी एविडेंट है। तो कुल मिलाकर अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रेजेंट कंडीशंस के हिसाब से मेसी की बार्सिलोना में वापसी का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इट हैज द सेम चांसेस ऑफ यू गेटिंग एनी बिचेस। पर इसी के साथ मैं बढ़ता हूं अपने सेकंड सबसे बड़े व्यू बैंक की तरफ, जो कि है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्योंकि इस हफ्ते हुए स्टार स्टडेड फ्रेंडली मैच पीएसजी वर्सेस अल नजर के अंदर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ना सिर्फ ब्रेस मारी बल्कि मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता। ये मैच होने के बाद इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खुश विराट कोहली जी हैं। वैसे तो ये मैच 90 मिनट तक खेला गया था, लेकिन दर्शकों ने ये मैच सिर्फ 60 मिनट तक देखा, और इस 60 मिनट के अंदर उन्हें सब कुछ देखने को मिला सिवाय डिफेंस के। क्योंकि अपेरेंटली इस मैच के अंदर सब कुछ अलाउड था। नवाज को बॉक्सिंग अलाउड थी, नेमर को फील्ड पे हगना अलाउड था, बस डिफेंडर्स को डिफेंडिंग करना अलाउड नहीं था। जहां एक जगह फुटबॉल फैंस का कहना है कि ये फ्रेंडली अपने आप में गोट डिबेट सेटल कर देता है, वहीं दूसरी जगह फुटबॉल फैंस का ये मानना है कि व्हाट द फक वाज दिस मैच। पर एट द एंड इस मैच के बाद हम सभी को मेसी और रोनाल्डो की वो तस्वीरें मिल चुकी हैं जिसको देख के हम लोग अगले 2 साल तक हिलाने वाले हैं। हिलाने से याद आया, चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। यूवेंटस, जिन्हें दे दिया गया है 15 पॉइंट का एक रिडक्शन, जिसके बाद वो लोग टॉप 4 स्पोर्ट से गिर के आ चुके हैं लीग में 10th पे। सो लेट्स ऑल कीप अ मोमेंट ऑफ लाफ्टर फॉर यूवेंटस। बैंड के लड़ो। इसके बावजूद यूवेंटस फैंस में काफी खुशी का माहौल है। ये पहली बारी है जब से रोनाल्डो उनको छोड़ के गया कि उनका क्लब रेलेवेंसी में आया। पर स्टिल इस पॉइंट पे यूवेंटस फुटबॉल क्लब एक चीज से सख्त नफरत करती है, तो वो है चेल्सी। क्योंकि अपेरेंटली इस टाइम पे चेल्सी फुटबॉल में सब कुछ खरीद सकती है सिवाय ढंग का फुटबॉल खेलने स्टाइल के। विंटर ट्रांसफर विंडो खत्म होने में अभी 10 दिन बाकी है और चेल्सी ऑलरेडी 50+ ट्रांसफर स्टोरीज का हिस्सा बन चुकी है। ये चीज सुन के दुनिया भर के रियल मैड्रिड फैंस को स्ट्रोक आ चुका है। अपेरेंटली चेल्सी के नए ओनर टॉड बोली ने यूएफए के एफएफपी सिस्टम के अंदर एक ऐसा लूप होल ढूंढ लिया था जिसकी वजह से वो लोग इतनी साइनिंग्स कर पा रहे थे, जिससे तुम्हें ये पता लगता है कि अमेरिकन भोसड़ी के कहीं भी पहुंच जाए छेद ढूंढने में टाइम नहीं लगाते। लेकिन होल और एस होल में फर्क होता है एस का, जो कि था चेल्सी वर्सेस लिवरपूल का मैच, जो कि मैंने नहीं देखा, लेकिन जिन जिन लोगों ने देखा भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। पर शांति तो प्रीमियर लीग में मिलेगी नहीं, क्योंकि अर्लिंग हालैंड नाम के दानव ने हर टीम के आगे शांति मचा रखी है। 25 गोल मार दिए ऑलरेडी और ये सीजन अभी आधा हुआ है। अर्लिंग हालैंड के अभी के गोल स्कोरिंग नंबर्स देखने के बाद डार्विन नूनेस में अर्ली सीजन इन्वेस्ट करने वाले लोंडो को लग रहा है कि उन्हें एक्चुअली में क्रिप्टो में पैसा लगा देना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ फकिंग थर्ड क्लास यूरोगे रिप ऑफ ऑफ लुइस सुआरेस व्हिच कैन डू नथिंग बट रन। अर्लिंग हालैंड का ये सीजन जिस तरीके से जा रहा है वो तो काफी सारे फुटबॉल फैन ने प्रेडिक्ट करा था। लेकिन अनप्रेडिक्टेबल चीज जो इस वक्त प्रीमियर लीग में हो रही है वो है आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड। उस मैच की फ्लुइडिटी देखने के बाद हैरी मैग्वायर को ये विश्वास नहीं हुआ कि ये वही मैनचेस्टर यूनाइटेड है जिसका वो 6 महीने पहले कैप्टन था। जहां एक जगह मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस सिर्फ एक ट्रॉफी दूर है एरिक टेन हैग का टकला चाटने से, वहीं दूसरी तरफ आर्सेनल फैंस मिकेल अर्टेटा के टट्टों पर झूलने से सिर्फ एक प्रीमियर लीग विन दूर है, होपिंग वो लोग अपने लंदन राइवल से दूर ही रहेंगे। इसी के साथ मेरी ये अनफनी अटेम्प्ट ऑफ प्रोवाइडिंग यू फुटबॉल न्यूज इन अ फनी वे खत्म होती है। प्लीज मेरे साथ पेशेंट रखिएगा, आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन बेटर फुटबॉल कॉन्टेंट। ट्रस्ट द प्रोसेस। वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर यू लाइक सब्सक्राइब, एंड इसी के साथ सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।